राम राम जय हिंद। तो कुछ बॉलीवुड के एक्टर ऐसे हैं जो होते हैं वो दिखाने की कोशिश तो मैं नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ उनकी बेस्ट चल रही होती, लेकिन तुम्हें जो ज्ञान देके जाते हैं वो फालतू का। जैसे कि हम बताते हैं, अक्षय कुमार है, ठीक है, तुमने कई बार देखा होगा मूवी थिएटर में जब भी तुम जाते हो तो सैनिटरी पैड का ऐड करते हैं, देखा है ना, और खुद वो जो सिगरेट पी रहा होता है उसको ज्ञान देते हैं, और खुद जाके विमल पान मसाला का ऐड कर रहे हैं, ठीक। सलमान खान सेहत की बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, थम्सअप कोको कोला का ऐड करते हैं, चलो। आलिया भट्ट, इनका तो अलग ही सीन है, हीरोइन तो एकदम एक नंबर की डम है अपने आँखें देखो कैसे। कपिल शर्मा शो में गई थी, ठीक है, तो इन्होंने चाय जब आई, कॉफ़ी जब आई, उसमें चीनी पड़ी थी, तो दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि इसमें चीनी पड़ी है, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, और अपना ऐड करती हैं किटकैट का, फाइव स्टार का, इन सब का, जिसमें भर भर के शुगर है, मंच का जो भी करती हूँ उसमें भर भर के चीनी होती है। तो कहने का मतलब यार ये है कि ये लोग अपनी लाइफ में बहुत बेस्ट हैं, अपनी लाइफ में अपने लिए बेहतरीन सोचते हैं, लेकिन जब पैसे कमाने की बारी आती है तो इनको कुछ नहीं दिखता है कि क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे, इनको सब हजम है। हम पढ़ाई के चैनल पे बातें क्यों कर रहे हैं? अब देखो, जितने भी टीचर तुम्हें ये मोटिवेट करते हैं कि, या फिर ये बताते हैं कि तुम्हें सिर्फ सरकारी नौकरी की ही तैयारी करनी चाहिए, उनके खुद के लौंडे बच्चे कभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेंगे, ये हम लिख के दे सकते हैं, ना वो करने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी नौकरी में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब पैसा जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। दूसरी चीज़, सरकारी नौकरी जो होती है इसमें आप पोस्ट अगर बढ़ रही है तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप महीने का बहुत ज़्यादा रुपया कमा ले जाओगे। यहीं अगर दूसरा कोई बिजनेस आपके पास है, या फिर आपके पास दूसरी कोई फॉरेन में जॉब है, या फिर कोई इस तरीके की कुछ नई स्किल है, तो आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। अब हम यहाँ पे यार ये नहीं कह रहे हैं तुम लोग तैयारी कर रहे हो तो छोड़ दो, लेकिन हम बस ये कह रहे हैं कि देखो, अगर यार 10 लाख 11 लोग 11-12 लाख लोग तैयारी करते हैं, ठीक है, UPSC की बात कर रहे हैं, उसमें मान लो 1000 सीटें आ गई हैं, तो कितने फेल हो गए? अब अगर हम ये मान ले कि हर बार रेशियो यही रहता है फॉर्म भरने का, तो हर बार 8 से 10 लाख लोग ऐसे हैं जो निराश हो रहे हैं, और ये होते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आगे जाके सीटें 1000 की 5000 हो जाएंगी, नहीं, UPSC से जो सीटें आएंगी वो ऐसे ही आएंगी, तुम्हें भी पता है कि 800, 1000, ज़्यादा ज़्यादा 1200 इससे ऊपर नहीं आने वाली, कई बार तो 300-400 ही रह जाती हैं। तो कहने का मतलब यार ये है कि हर चीज़ को अपने हिसाब से समझो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ड्रीम है जिसमें तुम्हें 1-2 साल देने चाहिए, तुम आराम से बिल्कुल दे सकते हो 2-3 साल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ और ऑप्शन है, तुम्हें लग रहा है यार कि इससे ज़्यादा हम उससे कमा सकते हैं, या फिर उसमें कुछ है हो सकता है, तो यकीन मानो एक बार उसी चीज़ दूसरी चीज़ में ट्राई करो। क्योंकि क्या है ना, सरकारी नौकरी आजकल जिनकी लग जाती है यार वो ज्ञान देने चले आते हैं कि मेरी ज़िंदगी ये बदल गई वो बदल गई, लेकिन चलो अच्छी बात है जिसकी लग गई, मेहनत करी उसने बढ़िया लग गई, लेकिन जिसकी नहीं लगी हमें उसकी उसके लिए समझना पड़ता है कि उसको क्या झेलना पड़ेगा आगे, क्योंकि हर साल 8 से 10 लाख वैसे हो रहे हैं जिनकी नहीं लग रही है। तो तुम लोग अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा पाथ दिख रहा है जहाँ पे तुम्हें लगता है यार तुम कमा सकते हो, तुम अच्छा कर सकते हो, यकीन मानो लाइन पकड़ लो, वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। हम दिल से बता रहे हैं वो लाइन तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी, पकड़ लो वो लाइन, ठीक है। अब सबको नहीं छोड़नी है, मतलब कि तैयारी सबको नहीं छोड़नी है, तुम्हारा मन है भाई तो 1-2 साल के लिए आके तुम डेडिकेटेड तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जब UPSC के लिए आते हो तो तुम्हें ज़्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन UPSC में आने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास जब ज़्यादा टाइम होता है तो उसका मतलब एक ये भी होता है कि तुम्हारे पास बैकअप भी है। अगर बैकअप नहीं है तो UPSC में 6 साल गंवाने का मेरा कोई ऐसा लगता नहीं कि इंटेंशन तुम्हारा होना चाहिए। जो लोग भी ये तुम्हें डायलॉग मारते हैं ना कि प्लान बी जो वीक होते हैं उनका काम होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्लान बी उनके लिए होता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है नहीं, उनको प्लान बी साथ में लेके चलना पड़ता है। तो तुम लोग भी, हम बस इतना चाहते हैं, तैयारी करनी है या नहीं करनी है, कैसे करनी है, ये सब मेरा कोई मैटर नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि तैयारी तब करो जब तुम्हें एक्चुअल में करनी हो, तैयारी तब करो जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ना हो, तैयारी तब करो जब तुम्हें लगे कि तुम्हें एक सरकारी नौकरी करनी है या फिर तुम्हें उस पोस्ट के पे जाना है। सब कर रहे हैं सिर्फ इसलिए फॉर्म भर के मत शुरू हो जाओ, क्योंकि सब कर रहे हैं तो वो शायद अपने मन से कर रहे होंगे, कुछ और भी रीज़न होंगे, लेकिन वो तुम्हारा रीज़न नहीं है। तो इस वजह से सबके कहने पर तैयारी शुरू मत करो, हाँ, लेकिन तैयारी ज़रूर करो। राम राम जय हिंद।